उसका रीजन है कि अपनी लगन और सच्चे मन से और सच्चे दिलों से काम करना। बिल्डिंग लाइन में हर कोई लोग है, हम लोग फील्ड में 1980 से ये बिजनेस स्टार्ट किया है और गुजरात के अंदर भी हमने बड़ी लैंड बैंक का काम किया है, कंस्ट्रक्शन किया है और करते करते एक समय ऐसा आया 95 में और कुछ लोग हमारे समाज के इधर क्रशर स्टोन लाइन में और काफ़ी लोग इधर नवी मुंबई में थे। हम लोग मुंबई कालबा देवी वगैरह आना जाना रहता था और उतना कंजस्टेड रहता था तो हमने सोचा कि साला इधर न्यू बॉम्बे में अरे मुंबई में काम करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। फिर इधर नवी मुंबई में आके देखा तो इधर हमें कुछ अलग सितारा दिखा। यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आज अंग्रेज लोग बना के गए बॉम्बे, तो आज उधर ड्रेनेज का, रोड का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अदर वहाँ की प्रॉपर पब्लिक कंटाल चुकी है और बाहर निकल रही है। जब ये सिडको का डेवलपमेंट, सिडको ने आने वाले 100 साल तक उसको किसी भी आने वाले घर लेने वाले या क्लाइंट को परेशानी नहीं होवे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किया। लोग बोलते हैं कि सेकंड शंघाई बनाए, ऐसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने यह काम 1995 में स्टार्ट किया। 95 में हमारा बिगनिंग पीरियड था और सब स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट धीरे 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 चालू किया तो हमको इतनी सफलता मिली। और हमको ये लैंड का जो हम लोग ट्रेनिंग करने में नहीं मानते थे, इतना हम कंस्ट्रक्शन करने में और टाइम पे डिलीवरी देने में वो हमारी पहले से मास्टरी थी और हम लोगों ने कस्टमर को संतुष्ट किया। और आज धीरे धीरे आज एम्पायर बढ़ता गया, बढ़ता फिर हमारा बड़ा सन ये 95 में जब भी हम लोग आए थे उसके बाद 98 के अंदर वो भी इन्वॉल्व हो गए। अहमदाबाद में सिविल इंजीनियरिंग किया था पर हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट उनके नितिन जी की हाजिरी में वसुंधरा हाइट्स जूही नगर के सामने हाई राइज बिल्डिंग बनाया और उसके बाद तो लगातार रफ्तार बंद ही नहीं रही, चालू ही रही। और आज ऐसा समय आया कि हमने बिगेस्ट प्रोजेक्ट उलवा में करे। फुलवा में इतने सारे प्रोजेक्ट के कम से 1000 फ्लैट का डिलीवरी हम लोगों ने शॉर्ट टाइम में दिया और काम का क्वालिटी भी ऐसा दिया कि आज भी हम लोग उधर बैठे हैं। नहीं तो बारिश मुंबई के अंदर बारिश का इतना प्रॉब्लम होता है, लीकेज का प्रॉब्लम होता है, बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता उधर दूसरी बार बैठ नहीं सकता है। तो हम लोगों ने किसी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं और टाइम पर बिफोर टाइम डिलीवरी दिया। आज वो इतना वो एरिया में प्रोजेक्ट करे तो प्रोजेक्ट का एरिया का नाम ही डेल्टा सर्कल बन गया। आज बोल पूरा उलवे के अंदर कोई पूछेगा कि भाई डेल्टा में जाने का, हाँ डेल्टा सर्कल पे जाने ओ तो ऑटो वाला से लगा कि हर कोई उधर आ जाता था और वहाँ तक कि बस ये बेस्ट की बस ने उसका बस स्टॉप का नाम भी डेल्टा दे दिया, डेल्टा बस स्टॉप दे दिया। और आने वाले टाइम में अभी हमने 27 लाख फुट प्रोजेक्ट का डिलीवरी दे चुके हैं, 56 लाख फुट माल हमारा अभी डेवलप ऑर्गेनाइज का चालू है, 1.5 लाख फुट काम अभी और आने वाला, 14 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग अभी, कोई आधा प्रोजेक्ट कोई 85% 90% वहाँ तक काम हो चुका है, डिलीवरी देने का रफ्तार चालू है। और कस्टमर हमारे बार बार रिपीट होते हैं। समझो उलवा में हम लोगों ने कमर्शियल जो बेचा था आज उन कस्टमर को डबल से 2000 रेट हो गया। तो बोलते हैं सेठ अभी हमको ये शॉप बेच के दूसरा किधर हमारा प्रोजेक्ट है, उधर लेंगे वहाँ ले गए। आज आयरोली में हम लोग 28 स्टोरेज के दो बिल्डिंग बना रहे हैं, एक सेक्टर 7 और सेक्टर 9 में। और पाम बीच में एक बहुत ही बिगेस्ट प्रोजेक्ट 6 एकड़ का अभी आ रहा है, वो अभी स्टार्ट हो चुका है।
इसके अलावा उलवा में सेक्टर 26-1 में रामजेठ ठाकुर के साथ हम लोग का जेवी में प्रोजेक्ट 27,000 मीटर का अभी डेवलपमेंट चालू है, चालू कर रहे हैं और अभी उसका बुकिंग वगैरह चालू कर नहीं रहे, रेरा आने के बाद चालू करेंगे, तब तक सीलिंग भी चालू हो जाएगा। और लोगों को इतनी डिमांड है कि सर कभी बुकिंग चालू कर रहे हो, लाइन लग रहेगी, ऐसा माहौल है। उसी तरह हम लोग MIDC में भी अभी IT सेक्टर में भी काफ़ी प्रोजेक्ट चालू है और करने वाले और आ रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा था कि अभी हम लोग अहमदाबाद में थे तभी हम लोग सोच रहे थे कि अपने तालाब में है, इधर हमको लग रहा है हम लोग समुंदर में आ चुके हैं। और नवी मुंबई के अंदर ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक एक बार आती है, शायद BRC का कर्मचारी रहेगा या कोई भी फील्ड का बिजनेसमैन रहेगा, आएगा वो वापस जाता नहीं है। उनका स्टे होने की जगह तो सही है पर उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी इधर हायर से हायर एकदम एजुकेशन के लिए अजय DY पाटिल है, DPS है, अच्छी अच्छी जो स्कूलें हैं और शैक्षणिक संस्था है, मेडिकल कॉलेज है, लगा के पूरी तरह से इनको फैसिलिटी मिल रही है। तो वो लोग आने वाले वो हरिद्वार ये जहाँ BRC आते हैं या कोई बाहर से बेंगलोर से तो वो वापिस जाने का नाम लेते नहीं है, वो लोग पूरी ज़िंदगी के लिए इधर स्थायी हो जाते हैं। मुंबई के लोग उधर से कंजस्टेड होने से कंटाल चुके हैं, तो आज हमारी ऑफिस सैटरडे संडे लाइन लगी रहती है। आप पूछा हम लोग पूछे कहाँ से चेंबूर से, कहाँ से बोले के घाटकोपर से, कहाँ से बोले कांदीवली से, तो वहाँ से लोग अभी माइग्रेट होकर इधर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में सीनिंग MTHL चालू हो जाएगा, मुंबई नवी मुंबई की दूरी रहेगी नहीं, 20 मिनट का फासला है, लोग बोले कि ये लेने के लिए सुविधा है। और एयरपोर्ट ये चालू हो रहा है, रनवे का काम जोरों में चालू है। तो आज गवर्नमेंट और मोदी सरकार की आप प्रगति देख रहे हो, BJP आने के बाद बहुत ही काम का विकास हुआ है नवी मुंबई का। और आज गडकरी जी का भी रोड रास्ते बाकी सबों के लिए पूरा न्यू मुंबई के लिए पूरा डेवलपमेंट के लिए और आने वाले 10 सालों में चमन बन जाएगा, मुझे लगता है मुंबई के रेड को क्रॉस करेगा, ऐसा मेरा सपना दिखा सर। उसके लिए भी हम लोग छोटे लोगों के लिए भी हमने काफ़ी समय से सोच रखा है कि हमारा बदलापुर में एक लैंड पड़ा है, हमारा पुरखों जी एग्रीकल्चर लैंड था, उसको वो 20 एकड़ का लैंड पूरा बेल्ट है अमरनाथ से बदलापुर रोड पे MMRDC का मेन रोड पे जंक्शन पे है। उधर अभी चिकलोली स्टेशन हमारी जगह के बेरेस चालू हो रहा है, वो मेरी जगह के अंदर से ही हमारी जगह रेलवे ने एक्वायर करा और उधर ही स्टेशन बन रहा है। तो हमने ऐसा सोचा है कि ये चिकलोली स्टेशन चालू होता है तो मेरी जगह के आजू बाजू में अमरनाथ बदलापुर तो है पर ये जगह में हम एक बड़ा टाउनशिप प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग चालू है और प्रदीप ढोरे आर्किटेक्ट साहब काम कर रहे हैं उसके ऊपर। आप मुआवजा करने चाहते हो तो कर सकते हो और उनकी इंक्वायरी कर सकते हो। और लो बजट के फ्लैट आम जनता को मतलब कंफर्ट होवे इस तरह का प्रोजेक्ट हमारा आने की अभी तैयारी है। और सोच रहे देखो वो जो लोगों ने हमारा काम हमको नहीं देखा है, डेल्टा को नहीं देखा, डेल्टा के काम की जो है डिलीवरी का टाइम है, काम के क्वालिटी के बारे में वो कस्टमर हमारे प्रोजेक्ट के लिए देख लिया है। और जिधर ये आने वाले लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट की विजिट कर चुके हैं, हमारे काम की क्वालिटी देख चुकी है, हमको देखे वो नहीं ले रहे। हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हुआ है हमने कभी कितने टाइम में प्रोजेक्ट रेडी करके दिए उसके अनुसंधान में आज काफ़ी सारों ने फाइनल करके कस्टमर लक्की करके गए हैं। और आज समझो कोई छोटा गाड़ी भी लेता है 2 बार सोचता है, तो उन लोगों ने मन बना लिया है, काफ़ी लोगों ने फाइनल भी किया है और इसका मूवमेंट एक मन तक रहेगा और लोगों के दिल में हमेशा रहेगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट है इस तरह के। और जिन लोगों ने लेना है हमारे आयरोली के प्रोजेक्ट में भी कल 2 फ्लैट लोगों ने फाइनल किए और बाकी प्रोजेक्ट पुष्पक नगर में भी हमारा वो नोड में भी 4 प्रोजेक्ट चालू है उसमें भी काफ़ी लोग फाइनलाइजेशन करके गए, तो उनके लिए भी अच्छा है। अभी एग्जीबिशन के लिए हम लोगों ने उनको डिस्काउंट रेट से भी देना बोला है और वो ले रहे वो नक्की करके फाइनल करके गए लोग।